आजकल की जनरेशन है ना हाँ। वो एमसी स्टैंड किंग इनको सुन रही है। मैं हथौड़ा छेनी टाइप का है रावत सर फाड़ने का, इसका नुक्का है, इसका नुक्का इसमें ऐसे करके घुसेड़ते हैं ऊपर से फिर हथौड़ा मारते हैं। अच्छा फिर फट जाता है पूरा, चाकू लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। कल आपको मैंने बताया कि हमारे कहते हैं यहाँ बाथरूम में सांप घुस गया था, तो आजकल का क्योंकि मौसम भी ऐसी चल रहा है, कहते उमस इतनी है कि कहते सांप वगैरह भी कहाँ रहे बेचारे दिल से अपने निकल रहे बाहर को, तो भाई लोगों आप लोग भी जरा सतर्क रहिए आजकल के कहते हिसाब से, क्योंकि सांप बहुत निकल रहे हैं हर जगह जगह पर, मतलब छोटे छोटे और बड़े सांप सब निकल रहे हैं। तो आज हमारे परम मित्र दीक्षित पांडे जी का भी देहांत हो गया है कल, बहुत कम उम्र में 32 साल के ही थे और आज हमारे बीच नहीं रहे, हमें छोड़ के चले गए हैं। तो मैं आज सुबह रानीबाग गया था तो कहते मैं वहीं से तभी लेट हो गया हूँ आज, तो आप भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो अभी मैं अभी कहते चलता हूँ अभी, क्योंकि आज मैंने नाश्ता वगैरह भी नहीं करा है, पूजा ये भी ले आई है, चाय वगैरह कहते चाय वगैरह लेता हूँ, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपसे अभी थोड़ी देर बाद, बाय। आज पानी का बहाव बहुत ज्यादा और हमें चाय बहुत ऊपर लगाई थी, तो भाई चाय वगैरह पी ली है और ये तो अभी उठ रही है हमारी गौरी कहते, क्योंकि स्कूल की पड़ चुकी है छुट्टियां 4 दिन के लिए, थैंक यू डीएम। तो आज 4 दिन का अलर्ट बता रखा है, 10, 11, 12, 13 4 दिन की बच्चों की है छुट्टियां, और बाहर मौसम भाई इतना गर्म है अब क्या बताया आपको। और अभी ये बच्चों का अब चल रहा है पराठा वगैरह कहते बना दिया पूजा ने इनके लिए नाश्ता, और मैं बोल रहा हूँ क्या बोल रहा, मेरी बड़ी बहन ऑनलाइन क्लास कर रही है और मैं टीवी देख रही हूँ। अच्छा। तो यहाँ विजिता की ऑनलाइन क्लास चल रही है, विजिता ऑन तो नहीं है कैमरा, ये क्या इंग्लिश की टीचर है, यहाँ तो ऑनलाइन क्लास चल रही है बिजू की, क्योंकि और टीचर करना 4 दिन की छुट्टी है और इसका इंटर का भी है, तो उन लोगों ने स्कूल वालों ने ऑनलाइन क्लासेस दे रखी है और लेकिन इसकी नहीं है। तो चलो फिर बेटा बाय बेटा। तो आज सुबह से ही मम्मी दुकान में है और मैं भी जाता हूँ फिर दुकान को, पूजा परोठे बन रहे परोठे आलू के, तुम खा रहे हो यार मैं अभी तो चाय पी थी यार। तो यहाँ पूजा के बन रहे हैं परोठे और आलू के, और एक तरफ से यहाँ नाश्ता बन रहा है, एक तरफ यहाँ जिनकी भी तैयारी करती है, और यह यहाँ बन रही है आज आलू टमाटर की सब्जी, नहीं क्या आलू बैगन की सब्जी। क्लास पूरी हो गई? नहीं तो अभी चल रही है इंग्लिश की, चल रही है 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा उस समय दे देना इसको हाँ। चलो फिर मैं ठीक है ओके भाई जल्दी आना हाँ हाँ मैं तो फ्रेंड्स रानीबाग से आया था, फिर उसके बाद कहते तो यार लेट हो गया था, सुबह से मम्मी बैठी हुई थी तो काम ही इतना था कि अभी फिनिश हुआ है बस ये काम अपना, और टाइम भी हो चुका है 2 बजने वाले हैं, और पूजा के भी फोन आ रहे हैं घर से कि आओ करके जल्दी, तो अभी मैं चलता हूँ घर को, फिर मिलते हैं आपसे अभी घर पहुँच के। चले किंगी, ए किंगी, ये किंग को भी भाई एसी की जरूरत पड़ जाती है, और सामने एसी चला भाई यहीं पर सो जाता है ये, आ जाओ फिर चल रहे घर को चल रहे चलो। तुम भी ऐसी हो रहा है, बारिश वगैरह तो हो ही रही है लेकिन उमस बहुत हो जा रही है, बारिश जितनी देर तक रह रही है उतनी देर तो थोड़ा कहते उमस कम है लेकिन फिर उमस बहुत ज़्यादा हो जा रही है। अरे क्या हुआ प्रियांशु से दौड़ लगा दी, तो मैंने कहा चलो बाहर के रास्ते चलते हैं, अभी ये थोड़ा यहाँ काम वाम भी हो रहा था, मैंने कहा चलो काम भी देख लेंगे कहाँ तक पहुँचा है, और मौसम भी अभी हल्का बन रहा है, देखो क्या पता बरस भी सकता है आज, ये यहाँ हो रहा है काम, ये क्या करने लग गए आज। हाँ भाई आज क्या हो रहा है, हैं अच्छा कहाँ भाई पीछे फेंक रहे हो इसको,
ठेकेदार जी कहाँ है? खाना खा के आएंगे पहले। चलो ऊपर क्या क्या कर दिया देख आते हैं। अच्छा पिलर भर दिए। चलो चलो देख आते हैं फिर हम भी। तो भाई हाँ काम बहुत फास्ट हो रहा है, कल ही परसों से शुरू कर रखा था और अभी फिर ये देखिए यहाँ से ने यहाँ पर यहाँ से अब हमारी दीवार उठेगी और ये पिलर भी भर दिए इनने और अब ये बाहर नीचे वाले पिलर तो हो गए हैं तैयार और ये ऊपर वाले पिलर भी भर दिए इनने दो। अब हो रहा है वहाँ जीने की तैयारी क्योंकि वहाँ पर से थोड़ा कूड़ा हो रहा था वहाँ तो इसको सफाई कर रहे हैं। यहाँ से हमारा जीना चढ़ेगा ऊपर को और ये फेंक रहे हैं पीछे हमारे पीछे वाले प्लॉट में। दिखाते हैं ये। चलो ठीक है किंगी तू भी देख रहा है, तू निरीक्षण कर रहा है। चलो पहले उनको आन दो इधर को, उनको आन दो कहा तो नीचे उतर रहो। आओ आओ अभी हमारे ठेकेदार जी है नहीं यहाँ सद्दाम भाई, तो कल मेरे से पूछ रहे थे मेरे सब्सक्राइबर की कहते यार काम कौन कर रहा है करके, तो अब ठेकेदार जी से आपको मिलाएंगे हम बाद में। हेलो भाई क्या हाल है? आ जाओ बेटा आ जाओ, चाय वाय पी ली तुमने? पूजा क्या कर रहे हो? मूवी देख रहे हो? ये सब्जी तब से बनी नहीं है या कहते गर्म करने के लिए रखी है? अच्छा लाया लाया तुम्हारे मेरे साथ हमने खाना नहीं खा रखा है, जल्दी क्यों नहीं आए? अबे यार ऐसे लेट हो गया यार। ये किन के दही ये। इसमें मोबाइल चलो लगाओ फिर हो ही गया, मैं फटाफट करता हूं। ये किन के लिए सब्जी नहीं है क्या? सब्जी नहीं है, दे दो यार कोई लग ही गया है। लाओ करो फिर मैं आ रहा हूं, ये चेंज तो कर लो। भूख लग गई सौम्या? हां 3:30 बजे ट्यूशन है। मुझे क्लास खत्म हो गई बेटा। क्या क्लास खत्म हो गई अभी? और साढ़े बारह बजे। अच्छा तो भाई मैं भी करता हूँ चेंज और खाना भी लग चुका है, बच्चों को भी लगी है भूख तो अभी करते हैं चेंज फिर मिलते हैं आपसे बाद में। खा लिया बेटा कुछ लाऊं? तू तो बड़ा चाट चाट खा दे रही है यार, इतने बढ़िया हो रही है आज नहीं हो भाई। अच्छा मम्मी ब्लॉग में देख लेगी। तो भाई दिन का खाना वाना हो ही गया था और कहते भी उसके बाद कहते हालत बहुत ख़राब थी यार, थोड़ी देर आराम कर लिया था तो हमारे आराम करने तक हमारे मित्र हैं एक कहते अपने मुकेश जोशी जी, बहुत पुराने मित्र हैं तो आज लेके आए हमारे लिए इतना बड़ा कटहल। एक बार मैंने अब उनसे कह दिया ऐसी मजाक मजाक में, क्या मतलब सीरियसली कहा क्योंकि मुझे कटहल की सब्ज़ी बहुत पसंद है तो मैंने आपको ही बताई, तो मैंने उनसे मजाक में कह दिया था कि यार भाई आज कहते मेरे को कटहल की सब्ज़ी बहुत पसंद है तो हर साल मिल ले और कहीं पर भी कटहल दिखे तो भाई एक एक कटहल मतलब मिलने पहुँचा ही देते हैं हर समय, तो आज भी मेरे लिए कटहल लेके आए हैं। ये यहाँ ये कटहल लिया पसीना हो रहा था मुझे। ओ बेटा आ गया बैठने के लिए। अब एक बात बोलूँ? तो फ्रेंड कहते हैं अब ये रामेश्वर भाई आया है जरा, इनमें कहा यार कटहल इतना बड़ा है कि हथौड़े और कहते क्या क्या ले आए तुम्हें, हथौड़ा छेनी टाइप का है रामेश्वर? ये कटहल फाड़ने का है। अच्छा ये कटहल फाड़ने का है, इसका नुक है, इसका नुक इसमें ऐसे करके घुसेड़ते हैं ऊपर से फिर हथौड़ा मारते हैं। अच्छा फट जाता है, पूरा चाकू लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। गजब। रामेश्वर ने हमें बताया कि कटहल का आज मुझे भी आज पहली बार पता चला है कि भैया ये देखिए कटहल को काटने का ये नक्का बनाया जाता है और ऊपर से हथौड़ी मारी जाती है। आपको दिखाते हैं कैसे कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया ट्रिक बताई यार तुमने। अच्छा जो ये कहते मंडी वंडी में काटते होंगे ऐसे करते हैं ना ये? अच्छा ये तुमने खुद बनाया नक्का या ऐसे मिल जाता है? ये बनाया था मैंने, ऐसी लकड़ी हरी पड़ी हुई थी कुर्सी की, उसी का बना दिया मैंने। अच्छा चलो बहुत बढ़िया ट्रिक है। तो फ्रेंड देखिए आप भी ये कहते कटहल काटने का नया तरीका, इसमें पहले तेल लगा लेते ना। हाँ तेल लगाया था
तो फ्रेंड मैं भी चलता हूँ अभी शॉप को, फिर मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर बाद। बाय बाय बेटा। हाथ काट दिए। लो खेलो खेलो गुड बॉय। तेरे को आपट आपट। तो फ्रेंड पहुंच गया था शॉप में और बाहर आ गई इतनी भयंकर बारिश। ओ बे यार अभी अभी क्या आई मम्मी यार बारिश है। वही तो कह रहा हाँ भीग तो नहीं जाओगे भाई तो बड़ी हो गई है अभी अभी। तो फ्रेंड अभी अभी इतनी भयंकर बारिश आ गई है तो भाई शॉप भी कराया था क्लोज और यहाँ अभी टाइम भी हो चुका है 9:41 हो गए हैं। पूजा क्या कर रहे हो? खाना खिला रहे हो इनको बड़ी देर में? अच्छा तो भाई अभी बाहर कहते लाइट भी चले गई है पूरा अंधेरा हो रहा गली में। मम्मी क्या कर रहे हो? खाना खा लिया? खाना नहीं आज अभी इन्होंने वो बनाया था वो क्या पेट भर गया वो। अरे वो बनाया था बढ़िया अच्छा बनाया था यार वो। अच्छा पिज्जा कहते थे हाँ मिल बनाया थे बड़ी टेस्टी बनता था मिल भी भिजवाया था दुकान में। कोई आके खाया कोई वो थे एक आध मित्र थे साथ में बड़े अच्छे हुए थे ना। हाँ चलो फिर आता हूँ हाथ में धोता हूँ। ये क्या हो रहा है? आजकल की जनरेशन है ना वो एमसी स्टैन किंग इनको सुन रही है। अच्छा मैं और मेरी बहन इस मास्टरपीस में बाइट कर रहे हैं। ओ गजब। चलो तो खाना खा लिया ना? हाँ, खाया तो सही। आइसक्रीम? ये देखो अपनी फेवरेट। क्या? ये पहले पहले अपनी फेवरेट आइसक्रीम खा लेती है और फिर रात में मुझे मिलती नहीं है। चॉकबाली है यार। मेरे को तो राजवाड़ी अच्छी लगती है। राजवाड़ी सब अपने अपने पसंद के ले लो भी लास्ट में हमारे लिए बचेंगी। मम्मी भी लाइक कौन सी लूं? मम्मी ने भी ले लिया लास्ट में आपके लिए बचेगी। आज का ब्रेड पिज्जा कैसा हो रहा था? ब्रेड पिज्जा हो रहा था मस्त। मैंने तो बनाया था यार। मम्मी की उसमें मेहनत है कैसे बोलो कितना अच्छा हुआ था पूजा। ओहो इतना प्यारा हो रहा था ना बाय गॉड है खाने में मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि पिज्जा खा रहे होंगे। और लेकिन उसमें थोड़ा सा वो ना कहते चिली फ्लेक्स नहीं थे। चिली फ्लेक्स होते ना और बड़ा वो हमने पहले ही खत्म कर दिया। अच्छा नहीं होता बताओ ऊपर से नीचे से ब्रेड पूरा कंज्यूम मैदा भी नहीं खाते वो कहते वो तो लोग थे ना हेमंत और प्रियांशु लोग उनने भी खाया कह रहे यार खाते बनाया घर में बनाया कह रहे यार शादी करने के यही फायदे है। मैंने करके चलो मैं अभी हाथ में धोता हूँ। फ्रेंड्स खाना वाना हो ही गया है और अब थोड़ा मैं सोचा था काम कर लेता हूँ करके अब लेकिन इच्छा तो नहीं कर रही है नींद भी बहुत आ रही है तो काम देखे कल को करते हैं। तो आज के ब्लॉग को भी करते हैं पे समाप्त। गुड नाइट शुभरात्रि नमस्कार कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय। सही तो है। भी तो डालियो। ओह यस भूल। इसमें छोड़। मेरी तो टेस्टी लग रहा है यार अभी।